नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा, और देश की आज बड़ी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। हमारी कोशिश होती है कि एक क्लिक के जरिए आप जान जाएं कि किन खबरों पर देश में हो रही है चर्चा। यूपी की बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक तरफ जहां आरोप माफिया डॉन सुनील राठी पर लग रहे हैं, वहीं मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सीमा का दावा है कि मुन्ना बजरंगी की हत्या की साजिश जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह और प्रदीप सिंह ने रची है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। शोपिया के कुमदलान गांव में 5 से 6 आतंकी के छिपे होने की खबर है। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को सेना ने मार गिराया है। मुंबई में भारी बारिश के चलते पटरियों तक पर पानी भर गया है। 90 लोकल ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, वहीं कुछ ट्रेनें 10 से 15 मिनट की देरी से चल रही हैं। मुंबई में कल रात से लगातार हो रही बारिश की वजह से सभी स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी HRD की तरफ से 6 इंस्टीट्यूट को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा देने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कॉरपोरेट फ्रेंड्स को फायदा पहुंचाने की कोशिश में इन इंस्टीट्यूट का नाम दिया है। आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी मौजूदा 150 सांसदों के टिकट काट सकती है, जिसके बाद बीजेपी सांसदों में हड़कंप मच गया है। यूपी में कई सांसद अब मायावती की बहुजन समाज पार्टी में जाने का अवसर तलाशने लगे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी का खाता तक नहीं खुला था। अफवाहों की वजह से हो रही हिंसा को लेकर अब व्हाट्सएप ने फेक न्यूज के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। मैसेजिंग ऐप ने अखबारों में विज्ञापन देकर लोगों से अपील की है कि कोई भी संदेश बिना सोचे समझे आगे नहीं बढ़ाएं, इससे तकलीफ बढ़ जाती है। SpaceX के CEO और टेस्ला कार के co-founder एलन मस्क ने थाईलैंड की गुफा में फंसे बच्चों को बाहर निकालने के लिए अपनी किड सबमरीन भेजी है। इसके साथ ही वो खुद थाईलैंड भी पहुंचे हैं। प्राइवेट एयरलाइंस इंडिगो अपनी 12वीं एनिवर्सरी को 4 दिनों तक खास अंदाज में मनाने जा रहा है। इस दौरान इंडिगो की 12 लाख सीटें सस्ती होने जा रही हैं। इसकी शुरुआत मंगलवार से हो चुकी है। 10 जुलाई से 13 जुलाई तक के लिए इस सेल में इंडिगो की सीटों के टिकट 1212 रुपए से शुरू होंगे। फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में फ्रांस और बेल्जियम की टीमें आमने सामने होंगी। विश्व कप में दोनों टीमों की यह तीसरी भिड़ंत है। इससे पहले हुए दोनों मुकाबले में फ्रांस ने जीत हासिल की है। अंतर्राष्ट्रीय मैचों की बात करें तो 3 साल बाद दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ आज मैदान में उतरेंगी। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनोर को मात देकर विंबलडन के प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। अपने 18वें ग्रैंड स्लैम खिताब के लिए दावा पेश कर रहे इस जीत के साथ ही वो अपनी शीर्ष रैंकिंग को बचाने में भी सफल रहे हैं। तो ये थी आज की वो बड़ी खबरें जिन पर लगातार देश में चर्चा हो रही है, चर्चा का विषय बनी हुई हैं ये खबरें। आपका आने वाला कल आज के दिन से कहीं ज़्यादा बेहतर हो, कहीं ज़्यादा अच्छा हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार।